हेलो गाइस, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कॉन्वेक्स इजी है। मैं हूं आपका अपना शिवम और आज हमारी क्लास नंबर 7 जिसमें हम पढ़ने के लिए आ रहे हैं इंडस्ट्रीज में रिफॉर्म्स कैसे किए गए। जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे रिफॉर्म लाए गए, ठीक उसी तरह अब हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी डेवलप करना हमारी इंडिया की इकॉनमी के लिए बहुत जरूरी था। तो इंडस्ट्रीज में रिफॉर्म को कैसे लाया गया वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास की स्टार्टिंग है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने से। तो दोस्तों क्या था कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारे यहां पर कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी नहीं थी जो हम बोल सके कि हाँ वो हमारी इंडिया की इकोनॉमी को रन कर पाए। बहुत सिलेक्टिव कंपनीज थी, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो कई सारी कंपनीज है, जैसे हमारे पास रिलायंस है, टाटा है, जेनपैक है, असेंशियल है, इंफोसिस है, और भी कई सारी कंपनी है जिनको बोल सकते हैं कि हाँ ये हमारी इंडियन कंपनी है और इनका मेजर शेयर जीडीपी में आता है। लेकिन उन दिनों हमारे पास सिर्फ टाटा था, रिलायंस उतना ज्यादा नहीं था। कहने का मतलब कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमें कमी महसूस हुई इंडस्ट्रीज की, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को सुधारने का अगला फोकस किस पे किया जा रहा था, इंडस्ट्रीज पर किया जा रहा था। तो अब जरूरत थी एक रिफॉर्म की, और तभी हमने एक पॉलिसी चलाई जिसका नाम रखा गया IPR, फुल फॉर्म लिखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉलिसी या फिर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म पॉलिसी। रेवोल्यूशन भी बोल सकते हो, बुकों में रिफॉर्म लिखा हुआ है, बट आप अगर इकोनॉमिक्स वगैरह कर रहे हो तो वहां पर रिफॉर्म वर्ड यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कैन बी पॉसिबल इफ दे हैव गुड इंडस्ट्रीज। एक इंडिया का डेवलपमेंट तब हम मान सकते हैं जब उस देश की इंडस्ट्रीज क्या हो, डेवलप हो, क्योंकि इंडस्ट्रीज का मेजर पोर्शन नेशनल इनकम और जीडीपी के अंदर आता है, और वही चीज हमारी इंडिया की ग्रोथ दिखाती है, किसी भी कंट्री की ग्रोथ दिखाती है। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए मेजर करो उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज इज लिमिटेड। इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, बहुत ही लिमिटेड थी। मैंने आपको दो ही नाम बताए, टाटा और रिलायंस, और कोई नहीं थी। बट आज के दिन तो कई सारी कपल ऑफ कंपनीज है। सेकेंड पैरा बोलता है अकॉर्डिंग टू द IPR 1956 लिख लो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म पॉलिसी। और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म पॉलिसी पता है कब आई थी, 30th अप्रैल 1956 को आई थी। डेट भी लिख लो, मैंने लिखी नहीं यहां पर। 30th अप्रैल 1956 को IPR पॉलिसी का इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट ने कहा इसके तहत, IPR के तहत गवर्नमेंट बोलती है कि अब हम पब्लिक सेक्टर के रोल को बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हमने पूरा जिम्मा प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया तो प्राइवेट सेक्टर गिनी चुनी सेक्टर को ही उठाएगा जहां से उसे प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो अब जरूरत थी गवर्नमेंट को बीच में उतारने की। गवर्नमेंट ने कहा बहुत देर टाइम से देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर अपनी मनमर्जी चलाए जा रहे हैं, अब हमें उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि धरती पे जब जब पाप बढ़ेगा तब तब मैं जन्म लूंगा, गवर्नमेंट ऐसा बोलती है। तो गवर्नमेंट ने कहा अब अपने शेयर को बढ़ाओ पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू बी प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ फ्रॉम फ्यू हैंड्स। गवर्नमेंट ने कंसंट्रेट किया कि जो कुछ लोगों के हाथों में वेल्थ है, संपत्ति इंडस्ट्रीज को रेगुलेट कर रहे हैं, वो कई सारे लोगों में बढ़ दिए ताकि मोनोपोली पावर क्रिएट ना कर पाए और मनमर्जी ना चला पाए। इसलिए गवर्नमेंट ने IPR के तहत, सुन लो ध्यान से, IPR के तहत उन्होंने इंडस्ट्रीज को तीन शेड्यूल में डिवाइड किया। कितने शेड्यूल में डिवाइड किया, तीन शेड्यूल में, शेड्यूल ए बी सी। यानी कि सर IPR आया था 30th अप्रैल 1956 को। हाँ दोस्तों 30th अप्रैल 1956 को। अच्छा सर IPR को लाया गया था ताकि हम अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करें। हाँ जी बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। तो सर जब IPR को लाया गया तो हमने ये सोचा कि जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा हो गया, अब गवर्नमेंट सेक्टर को बीच में आना पड़ेगा। हाँ दोस्तों बहुत बढ़िया। अच्छा सर इसके लिए उन्होंने IPR के अंदर तीन चीजों को क्लासिफाई किया, इंडस्ट्रीज को तीन पार्ट में डिवाइड किया, शेड्यूल ए बी सी। अरे यार आपने तो सब कुछ बोल दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं तीनों के तीनों शेड्यूल। तो देखिए IPR 1956 जो कि लॉन्च हुआ 30th अप्रैल 1956 में, इसमें हमने तीन शेड्यूल बनाए, शेड्यूल ए बी सी। जैसे देखो ए बी सी, अब क्या है, शेड्यूल ए में बोल रहा जाता है कि शेड्यूल ए में वो कंपनियां आएंगी जिनको पूरी तरह से रेगुलेट करेगी गवर्नमेंट, जिनको पूरी तरह से रेगुलेट करेगी पब्लिक सेक्टर, बोले तो गवर्नमेंट सेक्टर। और ऐसी 17 इंडस्ट्रीज थी जिनको पूरी तरह से कौन रेगुलेट करने वाला है, गवर्नमेंट सेक्टर रेगुलेट करने वाली है, ठीक है दोस्तों। और इनमें वो इंडस्ट्रीज आती है जो बहुत जरूरी है हमारी इंडिया इकोनॉमी के लिए। पढ़ते हैं एक बार, शेड्यूल में एक्सक्लूसिवली ऑन बाई गवर्नमेंट सेक्टर। और ऐसी कितनी इंडस्ट्रीज है, 17। ये INT लिखा है, इसका मतलब है इंडस्ट्रीज, आप पूरे लिखना, मेरे पास जेई कमी थी इसलिए INT लिखा है, ठीक है। आप पूरे को 17 इंडस्ट्रीज, राइट। इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है मेनली वो आपको बता रहा हूं, आर्म्स यानी बंदूकों की, एटॉमिक एनर्जी बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट बोलते न्यूक्लियर,
एयरक्राफ्ट, ऑयल, तेल, इसका मैं क्या बोलूंगा, कुछ भी नहीं. रेलवे, ठीक है, रेलवे गवर्नमेंट के पास ही. शिपिंग और कोर इंडस्ट्रीज, कोर इंडस्ट्रीज मतलब जो माइनिंग वगैरह में होंगी, जो ज्यादा जरूरी वाली माइनिंग है उनकी बात कर रहे हैं. यानी ये एक्सक्लूसिवली पूरी तरह से ऑन्ड और कंट्रोल कौन करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर करेंगे. ऐसा कहां लिखा, शेड्यूल ए में लिखा गया, ठीक है दोस्तों. और 17 इंडस्ट्रीज कवर अप होती है. बात करते हैं शेड्यूल बी में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है और कितनी आती है. दोस्तों ये बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं शेड्यूल बी में कौन सी इंडस्ट्रीज आती है. शेड्यूल बी में वो इंडस्ट्रीज आती है जिनको रेगुलेट और कंट्रोल गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर करेंगे. मतलब प्राइवेट को भी पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली पावर ने बी में और ए में नहीं दी है. ए बोलता था गवर्नमेंट को दो, बी बोलते गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को दो, ठीक है. वही बात देखिए, ऑन बाई बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट. और ऐसी कितनी इंडस्ट्रीज थी, 12 इंडस्ट्रीज थी. कितनी इंडस्ट्रीज थी, 12 इंडस्ट्रीज थी, जिसमें से नाम बता रहा हूं, एल्यूमिनियम हो गया, माइनिंग, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर्स, इन पर फोकस किया गया गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के द्वारा, ठीक है, जिसे बोलते हैं शेड्यूल बी कंपनीज. अब शेड्यूल सी में क्या आते हैं, शेड्यूल सी में अब बची हुई सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो शेड्यूल सी में आ गए. और बोला जाता है कि इन पर एक्सक्लूसिवली कंट्रोल किसका होगा, प्राइवेट सेक्टर का होगा. मतलब सर ए में एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट, हाँ, सी में एक्सक्लूसिवली प्राइवेट, हाँ, और बी में दोनों, क्योंकि बी का मतलब होता है बोथ, ऐसे समझ लेना, ठीक है. चलिए शेड्यूल सी में क्या है, एक्सक्लूसिवली ऑन बाय प्राइवेट सेक्टर. अब बची हुई जो इन दो में कवर अप नहीं हो पाई, 17 और 12 जो कवर हो गए हैं, अब जो बची है वो सारी किसमें आ जाएगी, शेड्यूल सी में आ जाएगी, जो कि कौन कंट्रोल करेगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा. बोलो समझ आया. अब आप मुझे बताओ, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रीज की ग्रोथ करना हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी, जिसके लिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर जिसको नाम दिया गया इंडस्ट्रियल रिफॉर्म पॉलिसी, जो कि लॉन्च हुई थी 30 अप्रैल 1956 को. इस पॉलिसी के तहत हमने इंडस्ट्रीज को तीन पार्ट में बांटा, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी. शेड्यूल ए के अंदर 17 इंडस्ट्रीज आती है जिनको ऑन फुली तरीके से कौन करता है, गवर्नमेंट सेक्टर करते हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट, शिप वेसल्स और आपके रेलवेज हो गए, आर्म्स हो गए, और न्यूक्लियर पावर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, ये सारी इंडस्ट्रीज आती हैं. शेड्यूल बी के अंदर वो इंडस्ट्रीज आती है जिनको पूरी तरह से कंट्रोल गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर करते हैं. बोलो समझ आया. इसमें कितनी इंडस्ट्रीज कवर होती है, इसमें 12 इंडस्ट्रीज कवर होती है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, या कोल टेक्सटाइल हो गया, या फिर फर्टिलाइजर्स हो गया, इस टाइप की इंडस्ट्रीज शेड्यूल बी के अंदर कवर अप की जाती है. अब बात करते हैं शेड्यूल सी की. शेड्यूल सी के अंदर बची हुई सारी इंडस्ट्रीज आती है जो फुली ऑन और कंट्रोल किसके द्वारा की जाती है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा की जाती है. अभी तक हमने इतना पढ़ा, बोलो यहां तक समझ आया, उम्मीद करता हूं आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है दोस्तों. चलिए अब आगे चलते हैं. और अगला टॉपिक हमारा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. गवर्नमेंट ने पता है क्या बोला, गवर्नमेंट बोलती है कि देखो ऐसा है, आप कोई भी इंडस्ट्रीज खोलेगी ना उसको लाइसेंस लेना पड़े. जैसे आप आजकल जान ही रहे हो कि हमारे एक नया मोटर व्हीकल एक्ट आया है जिसके तहत अगर आप रोड पर पैदल निकलते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, साइकिल में निकलते हो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अलावा और कोई व्हीकल अगर आपने ले लिया तो दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि आपके मामा लोग वहां खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं आपको पकड़ने के लिए. क्यों खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर एक्सीडेंट्स की जो केसेस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं. ठीक उसी तरह से गवर्नमेंट ने रियलाइज किया इंडस्ट्रीज बूस्टअप नहीं हो रही है, और अगर वो भी नहीं है तो वो बहुत स्लो रेट से हो रही है, कोई बड़ी कंपनी हमारे पास नहीं है, तो क्यों ना एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर से हम इंडस्ट्रीज को डेवलप करें, जिसमें पहला स्टेप उठाया गया दैट इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. कोई भी इंडस्ट्री खुलेगी उससे सबसे पहले हमसे लाइसेंस लेना पड़े. जैसे बाइक के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है आरसी, उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और अपना क्या लेना पड़ता है, ड्राइविंग लाइसेंस डीएल. ठीक उसी तरह से इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए हमें क्या जरूरत थी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की. बोलो समझ आया. चलिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या होता है, इट इज अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू इंडस्ट्रीज यूनिट टू मैन्युफैक्चरिंग गुड्स. कोई भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करना इंडस्ट्रीज को, तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा. लाइसेंस क्या है, एक रिटन प्रूफ है जो कौन देता है, गवर्नमेंट देता है. किसको देती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को देती है कि हाँ आप ये काम न कर सकते हो हमारी मंजूरी से. क्योंकि अगर आपने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ली, इसका मतलब हो सकता है कल को जो चीज प्राइवेट सेक्टर बोली है वो इन वाली चीजों में उतर सकता है. तो लाइसेंस लेने आओगे तो हम देख लेंगे कि आप इसमें आते हो, इसमें आते हो, इसमें आते हो. प्राइवेट सेक्टर बोले कि हम रेलवे में आना चाहते हैं तो मना कर देंगे, लाइसेंस देंगे ही नहीं. इसलिए लाइसेंसिंग पॉलिसीज को चलाई गया. बोलो समझ आया. अब लाइसेंस तीन चीजों पर काम होता है. सबसे पहले कोई एक नई इंडस्ट्री सेटअप की गई हो, नंबर टू कोई पुरानी इंडस्ट्रीज है वो अपना एक्सपेंशन करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, और तीसरा वो जो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है. डाइवर्सिफिकेशन मतलब वो अलग यूनिट में आना चाहती है. जैसे अब एप्पल ये बोले कि मैं मोबाइल तो बनाती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाती हूँ, अब मैं एप्पल के बड़े बड़े कैमराज लेकर आऊंगी, एक नई डाइवर्सिफिकेशन. अब मैं एप्पल के फूड प्रोडक्ट्स लेकर आऊंगी, ये यानी ये हुए नया डाइवर्सन. ठीक है, तो कोई अगर इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफाई हो रही है तो उसको भी इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी. वही हमारा अगला पॉइंट है कि किन किन जगहों पर इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना पड़ेगा. पहला, कोई न्यू सेटअप इंडस्ट्री
कोई पुरानी एग्जिस्टिंग कंपनी उसको एक्सपेंड करना है बढ़ाना है उसके लिए भी चाहिए और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए भी चाहिए। बोलो समझ रहे। अब दोस्तों जानते हो आपने कभी एक चीज नोटिस की, बहुत एक नॉलेज की बात आपसे कर रहा हूँ, टॉपिक से हटके बात कर रहा हूँ लेकिन ठीक है, लेकिन वो हमारे टॉपिक से मिलता जुलता है ये समझ लो। जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ ठीक है, मैंने अक्सर देखा है कि जब भी मैं दिल्ली से बाहर किसी दूसरी स्टेट में जाता हूँ तो जैसे ही दिल्ली खत्म होती है तो अगला स्टेट आने से पहले और दिल्ली के खत्म होने के बाद बीच वाले जो जगह है उसमें इंडस्ट्रीज मिलती है। शायद आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कि मैं जब हरियाणा की साइड जाता हूँ, गुड़गांव की साइड जाता हूँ, तो जैसे ही दिल्ली खत्म होता है गुड़गांव में कई सारी इंडस्ट्रीज मिलती है मुझे। मैं जब यूपी जाता हूँ यानी नोएडा, तो जैसे मैं दिल्ली को क्रॉस करके नोएडा की तरफ आता हूँ देखता हूँ नोएडा में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। और नोएडा को तो नाम ही आपको पता है, नोएडा की फुल फॉर्म NOIDA है ना, फुल फॉर्म पता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नाम ही देखो डेवलप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यानी वो नोएडा सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली इंडस्ट्रीज के लिए बनाई गया है। अब क्या होता है कि नोएडा जो है ना एक गाँव है ठीक है, पिछड़ा हुआ गाँव, अब नहीं है पहले था, हरियाणा का वो यूनिट दापर इंडस्ट्रीज वो पिछड़ा यूनिट माना जाता था। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर कोई बंदा इंडस्ट्रीज खोलना चाहता है और अगर वो इंडस्ट्रीज बैकवर्ड या रूरल एरियाज में खोलता है तो हम उसे कई तरीके के इंसेंटिव्स देंगे, हम उसे कई तरीके की सब्सिडीज देंगे। तो दोस्तों उन सब्सिडीज को पाने के लिए लोगों ने क्या किया, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ने क्या किया, सेटअप किया कहां पर, बैकवर्ड और रूरल एरियाज में। चाहो तो आप दिल्ली में भी कर सकते हो, चाहो तो मेन हरियाणा में भी कर सकते हो, चाहो तो आप मेन यूपी में कर सकते हो, लेकिन उन्होंने यूपी के पिछले इलाके नोएडा को उठाया, हरियाणा के पिछले इलाके गुरुग्राम को उठाया, लेकिन आज में वो बहुत डेवलप्ड इलाके हैं। गुरुग्राम तो देख लो वो मिनी ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है। तो क्या है कि हम लोगों ने कोशिश किया कि बैकवर्ड एरियाज को सुधारना है, तो सुधारने के लिए इंडस्ट्रीज जब आएंगी तो वो रोड भी बनाएंगे अपनी सुविधा के लिए, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम भी बनाएंगे, वो वहां पर सेटअप भी बहुत अच्छा करेंगे, रिसोर्सेज ज्यादा होंगे। एक बात सोचो, कभी आपने देखा जहां इंडस्ट्रीज होती है वहां हुक्के पानी की सुविधा भी होती है, बाहर निकलोगे तो फुटपाथ पे आपको बेचने वाले चाय स्टॉल वगैरह सब कुछ मिल जाएगी, और अगर आपको हुक्का भी वो मतलब सिगरेट वगैरह बीड़ी कमरा बीड़ी 500 जो भी है वो पीना है तो आप पी सकते हो। ये क्या है, लोगों ने देखा इंडस्ट्री खुली है, चलो चलो भागे भागे चलो रेडी लेकर चलो वहां पे हमारी चीजें बिकेंगी, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इससे सोर्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ा, यानी बहुत चीजें बढ़ती है। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि अगर आपको सब्सिडी लेनी है, जमीन सस्ते रेट पर लेनी है और सब्सिडीज लेनी है, सुविधाएं लेनी है, तो आप बैकवर्ड एरियाज में खोलो, हम आपको ये सारे बेनिफिट्स देंगे। इससे दो फायदे हुए, बैकवर्ड एरिया जो रूरल एरियाज है वो डेवलप्ड हो गया, और दूसरा जो इंडस्ट्रीज जो बूस्टअप होने जा रही थी वो और ज्यादा बूस्टअप होगी। तो वही चीज याद रखिए कि लाइसेंसिंग लेना उन लोगों के लिए ज्यादा इजी हुआ जिन लोगों ने अपनी इंडस्ट्रीज का सेटअप काम किया रूरल और बैकवर्ड एरियाज में किया। बोलो समझ आया। नोट देखो क्या लिखा है, द पर्पस ऑफ पॉलिसी वाज टू प्रमोट रीजनल इक्विटी। ये लाइसेंसिंग पॉलिसी को लाने के पीछे रीजन क्या था कि इंडस्ट्रीज को बूस्टअप करेंगे किन जगहों पर, रूरल एरियाज में, ताकि रूरल डेवलपमेंट भी हो पाए हमारे यहाँ पे। बोलो समझ आया। सो गाइस ये था आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पूरा क्लियर हुआ? कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डाउट लिखो, या फिर फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ, डायरेक्टली वहां से मुझे फॉलोअप करके अपने डायरेक्टली पूछो, मैं मोबाइल में डिस्प्ले होगा, मैं तुरंत आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। सो गाइस एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी इंडियन इकोनॉमी की या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक चाहिए तो वो बुक प्रिंट हो चुकी है, आप लोगों को चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर गिवन है, आप उस पर कॉल करिए और जानिए वो बुक आपको कैसे मिल सकती है। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं कोई भी नई वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वैसे भी मैं लेकर आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक्सक्लूसिव सीरीज। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए पीस आउट।